ये स्क्रैप फैक्ट्री थी, इसमें कल विस्फोट के बाद आग लगी थी, जिसमें कल तक 5 व्यक्ति घायल थे और 2 की मृत्यु हुई थी। एक व्यक्ति की और मृत्यु हुई है। उनके इस पूरे घटनाक्रम की विस्तृत जांच जो है संयुक्त टीम के माध्यम से हो रही है। और जो सबसे पहले तो जो व्यक्ति दुर्घटना में घायल हुए हैं उनका समुचित उपचार कराया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज में वो भर्ती थे, उसके बाद उनको रेफर भी किया गया है। उपचार के साथ साथ जो उनको मदद दिलाई जा सकती है उसकी भी हर संभव कोशिश करके उनके परिजनों को मदद भी दिलाई गई है। इसके बाद जो है घटना के कारणों की पूरी विधिवत जांच कर रहे हैं संयुक्त टीम के माध्यम से, और जांच पूरी हो जाने के बाद ही कुछ बातें जो बताएंगे। अभी तक बजे कोई जो प्रथम दृष्टया सामने आई? अभी तो पहले तो हम लोगों ने पहले कल जो घटना घटी उसका रिव्यू कराया, सर्चिंग कराई कि और क्या क्या नुकसान हुआ है। उसके बाद अब घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है, इनके अभिलेख भी देखे गए हैं, परिस्थिति अन्य चीज़ें भी देखी जा रही हैं। तो स्क्रैप में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें जो है जिसकी वजह से विस्फोट जैसी स्थिति हो सकती है, उन चीज़ों का भी पता लगाया जा रहा है। जांच पूरी होने पर अवगत कराया जाएगा।